हमारी जो मंथली पुलिस की कार्रवाई है वो वज्र के द्वारा किस तरह से कार्रवाई करने के कारण अपराध कर्मी अधिक से अधिक गिरफ्तार हो रहे हैं। बहुत सारी बरामदगियां भी हो रही हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं बताना चाह रहा हूं जो कल हम लोगों ने संज्ञान में रखा था और संभवतः आज आप लोग 2020 में टोटल एक्यूज अरेस्टेड, 2021 में टोटल एक्यूज अरेस्टेड और 2022 में जुलाई तक टोटल एक्यूज अरेस्टेड, इसका हमने एक डेटा बनाया है। 2020 में 1,72,187, 1,72,187 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। 2021 में 1,97,582 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और जुलाई 2022 तक 1,57,735 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगर यही रफ्तार रही हमारी तो जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, अगले महीनों का जो प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन है कि दिसंबर तक ये जो गिरफ्तारी की आंकड़ा है पिछले 2 सालों में 1,72,000 1,97,000 रहा है, वह 2022 में दिसंबर तक 2,70,000 पहुंच जाएगा अगर यही रफ्तार रही। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस ने कितनी तेजी से अपने अभियान को चलाया और इसमें मुख्य भूमिका रही है जो हमारा वज्र हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह से क्रिमिनल अरेस्टेड इन प्रोफेशनल एंड हीनियस क्राइम, जो व्यवसायिक कांड जो गंभीर कांड है उसमें जो अभियुक्त की गिरफ्तारी है 2020 में 6,838 थी, 2021 में 9,071 हुई थी और अभी जुलाई तक 4,980 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कुल मिला के हमारा ट्रेंड बहुत अच्छा है और इसमें हम लोग भी आगे और कार्रवाई करेंगे। पूरे स्टेट का आंकड़ा है, पूरे वर्ष भर का आंकड़ा है, तो आपको उसमें दिलचस्पी होगी क्योंकि आप राज्य मुख्यालय की प्रेस प्रतिनिधि हैं। अवैध हथियार की बरामदगी पूरे राज्य में कितनी होती है, कितने अवैध हथियार बरामद होते हैं पूरे राज्य में? 2020 में 3,993 यानी लगभग 4,000 अवैध हथियार हमारे जब्त किए गए पूरे साल में। 2021 में भी इतने ही लगभग 3,951 हथियार गिरफ्तार किए गए, बरामद किए गए हथियारों, अवैध हथियारों को। और जुलाई 2022 में 2,504 अवैध हथियार अभी तक बरामद हो किए गए हैं। और अगर यही रफ्तार हमारी बरामदगी की रही तो दिसंबर तक जो आंकड़ा बनता है, जो अनुमान बनता है, वो आंकड़ा पिछले 2 सालों में जहाँ 4,000 से कम था, इस साल वो आंकड़ा 4,292 पहुंच जाएगा, मतलब 4,000 से ऊपर हम लोग अवैध हथियारों को जब्त कर लेंगे। तो ये आंकड़ा है और इसी आंकड़े पर हम लोग हर जिले का हर सप्ताह परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो जिले का आंकड़ा कहाँ जा रहा है। और जैसे ही कहीं आंकड़े में कोई गड़बड़ होती है तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता है। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि व्हीकल सीज, कुल जो वाहन सीज करती है बिहार पुलिस, वो 18,434 437 2020 में, 2021 में 26,000 व्हीकल, 26,505, जुलाई 2022 में 17,292 व्हीकल अभी तक हमने जब्त किए हैं। और अगर यही आंकड़ा रहा तो ये संख्या लगभग 30,000 पहुंच जाएगी। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम लोगों ने प्रेस नोट बनाया है तो आपको इसको आज दे देंगे और वर्ड फाइल में भी दे देंगे तो जिससे कि आप लोगों को सहूलियत रहे। इसी प्रकार के बहुत सारे आंकड़े हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहता है हमेशा सूचनाओं के आदान और प्रदान।